सीधे आपसे जानना चाहता हूं। मैं कहता हूं कि धर्म निरपेक्षता जैसा शब्द अपने अपने हिसाब से ठीक नहीं है, मीनिंग के हिसाब से। अगर हमारे बॉडी का हर अंग अपना धर्म भूल जाएगा तो क्या वो काम कर पाएगा हमारा शरीर? और दूसरा मेरा सवाल ये था, मैंने कहा कि मैं इस शब्द पर भरोसा नहीं रखता तो क्या मैं कम्युनल हो गया? और तीसरी बात उन्होंने कही कि पूर्ण स्वराज की बात तो सबसे पहले अलीगढ़ से ही निकली है, क्या लोकमान्य तिलक से नहीं निकली? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना के पहले, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना 1920 की है और बाल गंगाधर तिलक, लोकमान्य तिलक, उसके पहले स्वर्गवास कर चुके थे और उसके पहले स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है इसका शंखनाद दशकों पहले लोकमान्य तिलक कर चुके थे। कुछ लोगों को इतिहास को एकांगी पढ़ने का अपना आदत है, उस अभ्यास से वो बाज नहीं आएंगे, वैसा करने का उनको अधिकार है। इस लोकतंत्र में असत्य बोलने का भी अधिकार है, इस लोकतंत्र में झूठी चीजें परोसने का भी अधिकार है, इस लोकतंत्र में कई लोगों को जो है आंशिक सत्य बोलने का भी अधिकार है। अब प्रश्न पैदा होता है धर्म निरपेक्षता का। धर्म निरपेक्षता जैसा कोई शब्द जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता, एक गलत अनुवाद है ये। धर्म जो है हर किसी का, हर व्यक्ति का धर्म होता है, हर व्यक्ति का अपने रिश्तों के प्रति धर्म होता है, हर किसी अंग का धर्म होता है, हर जीव जंतु का धर्म होता है और वो उससे निरपेक्ष नहीं रह सकता है। इसलिए जिसको हिंदी भाषा का ज्ञान नहीं है, जिसको संस्कृतनिष्ठ हिंदी का ज्ञान नहीं है, वो बिल्कुल जो है अनावश्यक एक पाखंडी शब्द, एक छद्म शब्द के आड़ में छिपने का प्रयास करता है।